हमास ने इसराइल पर 7 अक्टूबर से कहीं ज्यादा बड़े और घातक हमले की योजना बनाई थी। हालांकि वो कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि उसने ईरान और हिजबुल्ला से मदद मांगी थी जो उसे नहीं मिली। फलस्तीनी गुट ने 2023 से पहले हमले की योजना बनाई थी लेकिन अपने साथियों के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए इसे टाल दिया गया। अमेरिकी अखबार ने दावा किया है कि उसके पास जनवरी 2022 और अगस्त 2023 के बीच हुई 10 बैठकों की जानकारी मिली है जिसमें हमले की योजना की जानकारी दी गई थी। द न्यूयॉर्क टाइम के अनुसार ये दस्तावेज इस साल की शुरुआत में खान यूनिस में हमास कंट्रोल सेंटर के एक कंप्यूटर पर पाए गए थे। रिपोर्ट ने उनकी प्रमाणिकता की पुष्टि की और निष्कर्षों की पुष्टि करते हुए इसराइल डिफेंस फोर्स IDF से एक इंटरनल रिपोर्ट भी मिली है। हमास की योजना में इसराइल में सैन्य और नागरिक दोनों जगहों को निशाना बनाकर सीमा पार हमला करना शामिल था। इस रणनीति के बारे में शुरुआती चर्चा जनवरी 2022 में शुरू हो गई थी जिसमें हमास के अधिकारियों ने तत्काल संघर्ष बढ़ने से बचते हुए उस पर फोकस करने की जरूरत पर जोर दिया जिसे उन्होंने बिग प्रोजेक्ट कहा था। जून 2021 की शुरुआत में हमास प्रमुख यहिया सिनवार की ओर से ईरानी अधिकारियों को लिखे गए पत्रों में इसराइल पर बड़े पैमाने पर हमले के लिए वित्तीय और सैन्य सहायता के अनुरोधों का खुलासा हुआ है। अमेरिकी मीडिया आउटलेट से मिले पत्रों में सिनवार ने इसराइल के साथ संघर्ष के दौरान हमास की ओर से किए गए भारी नुकसान का जिक्र किया है और ईरानियों से नुकसान की भरपाई करने और समूह को आने वाली बड़ी लड़ाइयों के लिए तैयार करने में मदद करने के लिए कहा था। उन्होंने इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कार्प्स के कुर्द फोर्स के नेता इस्माइल कानी को पत्र लिखा था, हमें आपकी पूरी ताकत, दृढ़ संकल्प, समर्थन और समर्थन के साथ हमारे साथ खड़े होने की सख्त जरूरत है। सबसे पहले अपनी ताकत को बहाल करना और इस टकराव में जो खत्म हो गया है या जो टारगेट बनाया गया है उसे बहाल करना और अपनी क्षमताओं को कई गुना विकसित करना है। 2021 में लिखे गए पत्रों में हमास के गाजा नेता के अतिरिक्त वित्तीय और सैन्य सहायता के लिए देश के सर्वोच्च नेता अली खामेनी सहित कई वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों से अपील की गई थी। द वाशिंगटन पोस्ट के अनुसार सिनवार के साथ साथ 5 और हमास अधिकारियों के सिग्नेचर वाले जून 2021 के पत्र में कहा गया है कि हम आपसे वादा करते हैं कि हम एक मिनट या एक पैसा भी बर्बाद नहीं करेंगे जब तक कि ये हमें इस लक्ष्य को हासिल करने की ओर नहीं ले जाता। जैसे जैसे महीनों में योजना आगे बढ़ी कई तरह के हमले पर चर्चा की गई जिनमें शॉपिंग मॉल और सैन्य कमांड सेंटर जैसे संभावित लक्ष्य शामिल थे। WAPO के अनुसार एक महत्वाकांक्षी प्रस्ताव में तेल अवीव में अजरीली टावर्स पर 11 सितंबर जैसा हमला शामिल था। हालांकि कई चिंताओं के कारण इस योजना को आखिरकार रद्द कर दिया गया था। फिर सितंबर 2022 तक हमास अपनी योजना को अंजाम देने के लिए तैयार दिखाई दिया जिसमें नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाने से पहले सैन्य ठिकानों पर हमला करना शामिल था। हालांकि रिपोर्ट के अनुसार ईरान और हिजबुल्ला दोनों ने हमले के लिए समर्थन जताया लेकिन उन्हें तैयारी के लिए ज्यादा समय की जरूरत थी। लेकिन हमास इन सहयोगियों की सीधी मदद के बिना आगे बढ़ा और योजना के अनुसार अपना हमला शुरू कर दिया। 7 अक्टूबर को हमास ने अपने घातक ऑपरेशन को अंजाम दिया जिसके कारण दक्षिणी इसराइल में 1200 से ज्यादा लोग मारे गए और लगभग 250 व्यक्तियों का अपहरण कर लिया गया।